आज ही के दिन 20 जुलाई 1927 को राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ था। राजेंद्र कुमार जब मुंबई आए थे उनके पास सिर्फ 50 रुपये थे। राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया फिल्म में काम किया, लेकिन उनकी पहचान 1963 में आई उनकी हिट फिल्म महबूब की वजह से मिली। साल 1963 से 1966 के दौरान उनकी सभी फिल्में सुपरहिट हुई। कहा जाता है कि उस वक्त हर सिनेमा हॉल में राजेंद्र कुमार की ही फिल्म लगी थी और सभी फिल्मों ने सिल्वर जुबली बनाई। इसकी वजह से ही लोग राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहने लगे। राजेश खन्ना के आने के बाद राजेंद्र कुमार का स्टारडम फीका पड़ गया। एक टाइम ऐसा भी आया कि उनको अपना बंगला राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। राजेंद्र कुमार को फिल्मों में अपने योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला। फिल्मों में आने से पहले उनका पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनके दोस्त की सलाह पर वो ज्वाइन करने से पहले ही सब छोड़कर मुंबई चले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।